भारतीय मजदूर संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन बिलासपुर में आयोजित किया गया। इस दौरान परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने पीसमिल कर्मियों को नियमित करने की मांग प्रमुखता से उठाई। परिवहन मंत्री ने पीसमिल कर्मियों को जल्द अनुबंध में लाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अनुबंध में लाने की बात स्वीकार की है। वहीं सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष की कमान को प्यार सिंह ठाकुर को सौंपी गयी है, जिनका धर्मशाला में पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रेस सचिव शमशेर सिंह, मनोज ठाकुर इकाई अध्यक्ष व अन्य विशेष रूप से मौजूद रहे। मैं भारतीय परिवहन मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर, जो हमारी परिवहन मजदूर संघ के द्वारा जो कर्मचारियों के प्रति जो प्राथमिकताएं रहेंगी, मैं कर्मचारियों के प्रति जो दिन रात सेवाएं करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। साथ में जो हमारे कर्मचारियों को कोई वेतन संगतियां हैं, किसी भी प्रकार के कोई छोटे मोटे जो कार्य हैं, उनको जो क्षेत्रीय प्रबंधक के लेवल के हैं, कुछ मंडलीय प्रबंधक के लेवल के हैं, इनको मैं धर्मशाला में ही निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो सरकार द्वारा जो कोई हाई लेवल की जो मांगे हैं, उनको सरकार द्वारा मनवाने की पूरी मेरा प्रयत्न रहेगा। जो मुख्य कार्यालय शिमला की लेवल की जो भी मांगे हैं, MD लेवल की जो भी हमारी डिमांड्स हैं कर्मचारियों की, उनको भी मैं पूरा करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। दिन रात कर्मचारियों के प्रति अच्छा उतरने का पूरा मैं प्रयत्न करूंगा। मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जो सेवाएँ मिली हैं, मैं कर्मचारियों के प्रति दिन रात काम करूंगा। और परिवहन मंत्री द्वारा मैंने एक ही चीज़ का फोकस किया है। परिवहन मंत्री ने अपने मंच के माध्यम से पीस मील वर्कर जो दिन रात सेवाएं हमारे साथ दे रहे हैं इस उद्योग में, उनको उन्होंने अनुबंध नीति पर लाने के लिए हमारे साथ वादा किया है। और सरकार ने उन्होंने पूरा प्रयत्न किया है और उन्होंने बोला कि हम सिर माथे इस काम को करेंगे और उन्होंने इस मंच से पूरा आश्वासन दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और माननीय परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर का भी दिल की गहराइयों से परिवहन मजदूर संघ की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर कार्य के लिए मैं वचनबद्ध हूं। मैं सरकार के समक्ष जो कर्मचारियों के फैसले होंगे, मैं कर्मचारियों के हक में दिलाने की कोशिश करूँगा।